नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों, SSC का 11 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होना था GD का, वो हो चुका है और हमारे पास हिंदी के 12-13 क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने सेंड किए हैं। और आप भी हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर लगातार SSC GD के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके वीडियोज आ रहे हैं। इसके लिए आप जल्दी से नीचे एग्जाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था योग्य का विलोम शब्द पूछा था, तो क्या होता है अयोग्य। अगला क्वेश्चन पूछा था अर्जुन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना था, तो चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें, तो आपको अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द था वो आपको आंसर में देना था। अगला क्वेश्चन पूछा था कर्तव्य का विलोम शब्द क्या है, तो कर्तगण होता है, सभी को पता है ये क्वेश्चन। एक यहाँ पर ये पूछा गया था, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन सारे पूछे जा रहे हैं। मैथ्स का भी इजी लेवल आया है और GK का भी इजी लेवल आया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुज का विलोम क्या होगा, तो अनुज का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा था, तो इसका जो आंसर आएगा अग्रज, ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता। अभी सभी शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में भी वन वर्ड पूछे गए थे यहाँ पर हिंदी के, तो दो तीन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, अच्छे से इनको याद करना, तो इसका क्या होता है मुमुक्ष। अगला क्वेश्चन पूछा था अंधे के हाथ बटेर लगना यानी मुहावरे का क्या अर्थ है, तो क्या होता है अप्रत्याशित लाभ हो जाना, अप्रत्याशित लाभ। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित लाभ। अगला क्वेश्चन था बूढ़ा को लेकर परेशान है, यानी कि आपको यहाँ पर भरना था क्या यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार से चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे थे, तो आप भी जल्दी से इसमें देखकर बताएं कि इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कौन सा इसमें सही आंसर आएगा। इस प्रकार से दो तीन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो हमारे पास अभी यही एक ही क्वेश्चन आया है ऐसा, तो इसके अंदर आपको भरना था, तो क्या भरना था यहाँ पर बूढ़ापा, बूढ़ा बूढ़ापा को लेकर परेशान है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था झगड़ा उसके और मेरे मध्य था, इनमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पर कारक से भी एक क्वेश्चन आज पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में, तो इसमें कौन सा संबंधवाचक कारक, इसमें संबंध का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर आता संबंधवाचक कारक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुबेर का विलोम शब्द क्या होगा, कुबेर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे उसमें से बताना था। और एक पूछा गया था यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन था अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है, तो किसका होता है जंगल का, ये इसका सही आंसर था। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आप भी अगर आपका एग्जाम था या होने वाला है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अगर आपका आपका एग्जाम था तो आप भी क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तथा हमको क्वेश्चन जरूर सेंड करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूले तथा अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें SSC के क्वेश्चन पूछे गए हैं। धन्यवाद।